मेरे प्यारे विद्यालय के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे नया विद्यालय है वो बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा है। इससे हमें सीखने को मिलता है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हमारे प्रिंसिपल जी सर हमें बहुत कुछ पढ़ाते हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे वो अंग्रेजी पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छे से हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, जिससे हम सीख भी सकें और उनकी सीख से ही हम आज आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनकी सीख से भी आगे बढ़ेंगे। हमारे सारे सर बहुत अच्छे हैं, हम आज भी जितनी क्लास से पढ़कर आए हैं वो सर बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे से हमें पढ़ाते हैं। आज भी वो सर हमें याद करते हैं कि काश ये हमारी कक्षा में होते तो उनको बहुत अच्छा लगता, लेकिन हमें भी बहुत दुख होता है कि हम सर से नहीं पढ़ पाते, लेकिन हम जितने भी सर से पढ़ पाते हैं वो सर बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। थैंक यू। मामा के नाम कैसे स्कूल का नामकरण किया जाए, उसके लिए मैंने पहले ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाई, गांव की मीटिंग बुलाई और फिर उस डिसीजन को सीएम के पोर्टल पे डलवाया। सीएम के पोर्टल पे डलवा के हमने एक फाइल बनवा के डीए ऑफिस में डाली। वहां से दो बार तीन बार चार बार जो दस्तावेज थे उनकी कमियों की वजह से उन्होंने फाइल को वापस रिटर्न कर दिया। फिर और किसी से सहयोग लेकर अल्टीमेटली एक पूरी फाइल तैयार करवाई, जिसमें एमएलए साहब का बहुत सहयोग है। वो जयपुर से लेके गए हमारे ऑफिस से लेके गए, मेरे स्टाफ के किसी भी व्यक्ति से जब कहा उस फाइल के बारे में, सबने पूरे दिल से सहयोग किया उस फाइल को आगे बढ़ाने में। उसके बाद आखिर में वो स्टेप आ गया कि स्कूल का नामकरण तो हो जाए, लेकिन भामाशाह के नाम का तो कागज तो होना चाहिए। भामाशाह के नाम का विद्यालय में कोई रिकॉर्ड नहीं था। अंत में भामाशाह को बुलाया और दान पत्र बनवाने के लिए हम गए तो वहां भी मना कर दिया कि दान पत्र कैसे बनाते, विदाउट रिकॉर्ड ये तो फ्रॉड हो जाएगा। वहां पर जरा कोई स्ट्रेंथ था, उसने कहा गलत दान नहीं कर सकते, बना दीजिएगा। बनवाया उसने ये लिखवाया कि ये विद्यालय इसको हमने दिया था, बिल्डिंग हमने बनाई थी, जमीन हमने दी थी, इसमें हमारी भावी पीढ़ी का कोई आधिपत्य नहीं रहेगा। हम सरकार को बिना किसी शर्त के सुपुर्द कर रहे हैं, सरकार जो चाहे इसमें करे, जिस उपयोग में ले, हम भी विद्यालय के विकास में निरंतर प्रयास कर। थे और मेरे पिताजी भी थे, तो ये प्रेरणा वास्तविकता तो मेरे घर से ही मुझे मिली, क्योंकि मेरे दादाजी कहते थे कि भाई बड़ा बड़ी समस्या है, हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को भी पढ़ाया और साथ ही गांव के स्कूल का भी ध्यान रखा। ऐसे ही मेरे पिताजी थे, तो प्रेरणादायक तो मेरे जो पूर्वजन थे उनसे ही मिली मेरे को। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पूरे देश में शिक्षा का एक ऐसा डंका बजे, कोई भी छोटा बच्चा शिक्षा वगैरह नहीं रहे, सबको शिक्षा प्राप्त हो, यही मैं चाहता हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ शिक्षा के साथ साथ जो स्कूलों में भवन की समस्याएं होती थी, तो मेरे को ऐसा लगा कि हर स्कूल में भवन तो ऐसा है, पर ऐसा भवन बनाऊं जिससे मेरे साथियों और मेरे गांव वालों और मेरे जिले वालों को ऐसा लगे कि हम भी कुछ करें। तो मैंने एक नई सोच के साथ एक हमारे स्कूल में ऐसी भवन बनाया मैंने, जो प्रधानाचार्य का कक्ष है उसमें इसलिए बनाया मैंने, उसमें गांव का आम आदमी उस विद्यालय में आए और उस भवन में जाकर उसको लगे कि ये किसने बनाया है। तो वो मेरा ये मुद्दा नहीं है कि मैंने बनाया है, पर मैंने एक नई सोच के साथ हमने अच्छा काम किया है, उससे लोगों को जुनून पैदा हो और लोगों जितने भी लोग हों चाहें कि हम भी ऐसा करें, तो हो सकता है। इसके अलावा
इस विद्यालय के अंदर गांधी पुरस्कार मिल चुके हैं और इस बार अभी मार्कशीट नहीं है सभी, लेकिन अपेक्षा करता हूँ कि पीछे के रिकॉर्ड बीट हो जाएंगे। क्यों पढ़ाना चाहिए, इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इन्होंने गांव वालों को एक मैसेज दिया, एक संदेश दिया। इस मामले में हमारी टीम और साथ में अनु जी और इनकी जो टीम है वो बहुत बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने थोड़े से समय में इतनी शानदार प्रस्तुति आपके सामने पेश की, जिसके माध्यम से विद्यालय में क्या क्या एक्टिविटीज होती है, क्या क्या गतिविधियाँ होती है, पढ़ाई के साथ साथ जो अन्य गतिविधियां हैं उनके ऊपर भी इन्होंने प्रकाश डाला है और इस थोड़े से समय में आपके सामने पेश किया। अतः गांव वासियों से निवेदन है
क्या आप अपने बच्चों को इस सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाएं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके बच्चों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिला करके आगे सुयोग्य नागरिक बना करके भेजेंगे। धन्यवाद। प्रेरणा मिली और ये इतनी मेहनत करते हैं उनसे कि इतनी मेहनत करनी चाहिए। तो सबसे अच्छा रिजल्ट सर के यहाँ आने के बाद रामप्रेस में सबसे अच्छा रिजल्ट रहा इनकी प्रेरणा से। जो ज्योग्राफी में 90 अबाउट 94 ये मार्क्स हुए। ऐसे लगता है जब से मैं 2005 में मुझे ऐसे लगता है जब से ऐसा ही हुई जो भी चला है उससे बच्चे ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि हम बोलते थे बच्चे सुनते थे, लेकिन अब बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं और अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है उनके। और यहाँ टीम है वो भी बहुत ही उत्साह के साथ काम कर रही है, क्योंकि वही है जो हमें एक तो ये होता है कि हमें कोई सुन रहा है पता नहीं उसमें रुचि पैदा हो रही है कि नहीं हो रही है। और लेकिन अगर सामने से जवाब आ रहा है हमें कुछ पूछ रहा है तो हमारी बात ज़्यादा कमजार हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा है। उसने स्कूल में काफ़ी उनके स्तर में भी सुधार हुआ है। मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं यहाँ गणित विषय के पद पर कार्यरत हूँ। देखो हमारा जो रिजल्ट है वो बहुत ही सुपर है। यहाँ पे रहने का कारण यही है कि जो हमारी जो पूरी टीम है वो एक पूरे परिवार के रूप में यहाँ पे काम करती है और सब मिलजुल के, और हम हमारा एक ही टारगेट है कि बच्चा का उज्जवल भविष्य हो। और हम ये चाहते हैं कि जो बच्चा कैसे भी आगे बढ़े, और जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे वो हिंदी हो चाहे गणित हो चाहे अंग्रेजी हो चाहे वो विज्ञान हो, सब हमारे जो कर्मचारी हैं वो पूरी मेहनत करते हैं और बच्चों को अपने परिवार के रूप में लेकर उनको पढ़ाते हैं। और जब मैं मैथमेटिक्स गणित का टीचर हूँ तो मैं जो पढ़ाने का जो हमारी टेक्टिस है हम ऐसे रखते हैं कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा वो बच्चा लाभान्वित हो, हार्ड सब्जेक्ट होते हुए भी वो बच्चा अच्छी तरह से उसको सीखे, उसमें किस तरह से कोई कमियां हैं तो उसको सुधार कैसे किया जाए, तो हम उसमें प्रयासरत रहते हैं। और इस बार के रिजल्ट देखो यही कारण है कि हमारे जो बच्चों के जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही शानदार यहाँ पे रहते हैं। जो पूरे ब्लॉक के अंदर हमारे विद्यालय के जो रिजल्ट हैं वो सबसे सुपर है। आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो 3 दिन की वहाँ ट्रेनिंग हुई थी प्रोग्राम की लीडरशिप की, उसके अंदर हमने बहुत कुछ सीखा कि जैसे मैं तो एक नोविस ही था इस फील्ड में, प्रिंसिपल के क्षेत्र में और पीओ के क्षेत्र में, लेकिन वहाँ से एक तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ। क्लियर है हम स्केर्ड रहते थे क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं कहाँ तक हमें तो सफलता मिल रही है, वहाँ पर हमें एज ए लीडर क्या करना चाहिए, लीडर का क्या रोल होना चाहिए, ये बहुत कुछ सीखने को मिला। उस चीज़ को मैंने मेरे स्टाफ ने भी अप्लाई किया और उसका रिजल्ट्स ये मिला कि हमारे टीचर्स भी इतने मोटिवेटेड हो गए, इतने इंस्पायर्ड हो गए कि उन्होंने भी अपनी क्लासों में चल चल के नए नए तरीके अपनाने शुरू किए। साथ में उन्होंने पिरामल फाउंडेशन से फ़ोन पे भी कांटेक्ट करना शुरू कर दिया कि हाउ कैन वी टीच दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हु आर बैकवर्ड स्टूडेंट्स इन लर्निंग। तो उसके मामले में भी इन्होंने बहुत अच्छा रोल किया। अब मैं आता हूँ अनु जी का जो फेलोशिप का कार्यक्रम, वो रियली हमारे लिए इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल था, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे थे पहले वो इंट्रोवर्ट टाइप थे जो अपने मन से बात को बाहर नहीं निकालते, लेकिन इनके आने से उन बच्चों में एक तो एक्सट्रोवर्ट टाइप हो गए, अपनी बात को खुले रूप से रखने लगे, दूसरी बात उनमें क्रिएटिविटी बहुत डेवलप हुई जिससे वो सर हम ये काम करेंगे अर्लियर ऐसी उनमें नहीं थी, मोटिवेशन उनको बहुत मिला। और इसके अलावा इनका रोल तो सोसाइटी में भी बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पर सोसाइटी के लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। स्कूल में इन्होंने बहुत तरह तरह की पेंटिंग की, पेंटिंग के माध्यम से इन्होंने बच्चों की क्या क्या इमोशंस थी उन सबको भी उजागर किया। तो ये दोनों ही जो प्रोग्राम्स थे वो हमारे लिए बहुत ही प्रेरकूल और यूजफुल साबित थे। आदर्श विद्यालय का रिक्वेस्ट आर्ट।
प्राप्त किए हैं। यहाँ सर निशांत ने मेरे स्टडी में बहुत योगदान किया है। सबसे ज्यादा योगदान हमारे प्रिंसिपल मेंटर्स जी सर ने दिया। जब वे आए थे तो हमें डेज पढ़ाते थे, इंग्लिश पढ़ाते थे और डेज में हमें सीखने को कहते थे तो अंग्रेजी वाला सी बोलते थे और पूरे स्टाफ ने हमें मोटिवेट किया। हम स्टडी में सबसे अधिक ध्यान दे पाए, हमें यहाँ परिवार जैसा माहौल मिला है। इस टीम में चाहती हूँ कि आपका विद्यालय में बहुत सारे स्टूडेंट्स आए और हमारे विद्यालय का नाम हो। इसके अलावा तो फेलो ने उनका भी हमारे विद्यालय में नामांकन वृद्धि है, टॉप करिकुलम एक्टिविटीज है, उनके डेवलपमेंट में सराहनीय योगदान रहा है। उन्होंने गांव के अंदर भी एक नई अवेयरनेस पैदा कर दी है जिससे बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोवर्टिव थे पहले, अब एक्स्ट्रोवर्ट हो गए, अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने लगे हैं। तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस विद्यालय में इनका पूर्ण और सराहनीय योगदान रहा है। धन्यवाद।